हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिसेट रियलमी डिवाइस, यानी कि इस फ़ोन को पूरी तरह से रिसेट कैसे करें। फैक्ट्री रिसेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस फ़ोन में जितने सारे अकाउंट, कॉन्टैक्ट, फोटो, वीडियो, एप्स वगैरह जो भी है सब कुछ डिलीट हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और हो सके तो इस डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इन सारे फाइल्स को ट्रांसफ़र कर लेना। फैक्ट्री रिसेट मारने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन सेटिंग्स को खोलने के बाद स्क्रॉल करके नीचे नीचे आइए, नेक्स्ट एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। एडिशनल सेटिंग्स को ओपन करके फिर से आप नीचे नीचे आइए, लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकअप एंड रीसेट, इस पर टैप करना है। बैकअप एंड रीसेट सेटिंग्स को खोलते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। नेक्स्ट इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रिसेट में जाना है। यहाँ से आप नेटवर्क सेटिंग्स, ओनली सिस्टम सेटिंग्स और फैक्ट्री रिसेट वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में हम फैक्ट्री रिसेट करना सीखेंगे। फैक्ट्री रिसेट करने के लिए इरेज ऑल डेटा पर टैप करना है। इसके बाद अगर आपके फ़ोन में स्क्रीन लॉक सेट है तो उसका भी पासवर्ड डालना होगा। नेक्स्ट इरेज डेटा पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सूचित किया जाएगा कि आपके फ़ोन से सारा डेटा डिलीट होने जा रहा है। इसके बाद इरेज डेटा पर दोबारा टैप करते ही फैक्ट्री रिसेट होना शुरू हो जाएगा। डिवाइस फॉर्मेट होने में 5 से 20 मिनट तक लग सकते हैं, तब तक हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। और हो सके तो मोबाइल को चार्जर के साथ कनेक्ट करके रखिए, क्योंकि बैटरी परसेंटेज कम होने के कारण कई सारे समस्या हो सकते हैं। जब तक आपका डिवाइस पूरी तरह से रिसेट ना हो जाए तब तक आप इस फ़ोन को चालू या बंद करने की कोशिश ना करें। दोस्तों डिवाइस बूट होने के बाद आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, और आप जिसके कारण डिवाइस रिसेट किए थे वो भी सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना फ़ोन को रिसेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।